आप देख रहे हैं न्यूज़ी न्यूज़। अरे भाई, जैसे कि आपने कई बार प्रधानमंत्री को बदलते देखा है, मेरा सवाल है। लाइफ में हम दूसरी बार वोट दिए हैं। अच्छा, इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय मोदी जी, उनके बारे में क्या ख्याल है, कैसा काम किए हैं, उनके काम को बताया जाए। काम को क्या बताया जाए, काम रहता नहीं, जो काम करता भाई, काम के इंसान को उसको बताता है ना। आप तो मेरा सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसा सवाल काम किए हिंदुस्तान में। मोदी जी जो काम 10 साल में किए हैं, हाँ, आज तक कोई प्रधानमंत्री आया वो काम नहीं कर पाया। अच्छा, 10 साल में क्या क्या किए हैं? पहला काम है, पहला काम क्या किए हैं? पहला काम कि राम मंदिर बनवाए हैं। दूसरा काम हिंदू मुस्लिम को लड़वाए हैं। तीसरा काम 15 लाख खाता में दिलवाए हैं। चौथा काम GST लगा के गरीब को मुआए हैं। पांचवा काम का उम्मीद कम है कि पांचवा काम हो पाएगा। चौथे काम में भी मर गया तो पांचवा काम का नाम क्या लेगा। अच्छा, अब वैक्सीन जो फ्री में दिलवाए थे कोरोना वाला, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? आप नहीं लिए हैं, धुलिया उजा रहे हैं। आप नहीं लिए हैं, नहीं किए। धन्यवाद, आप बच गए। हम बच गए क्या? हमको कहीं बाहर जानी नहीं था, अकबरीपुर में रहना था, हम काहे के लिए अकबरीपुर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं? नहीं कहीं बाहर नहीं जाते हैं। कब बात कर रहे हैं आप? एकदम नहीं। बैंक में खाता कि नहीं आपका? बैंक में खाता। हाँ, एकदम नहीं। तो भाई, कैसे आपका वैक्सीन का हर हाल में लाना था, खाता वाले को तो जरूरी था। खाता नहीं, पैसा नहीं, कहाँ से कोई सरकार पैसा उसका दे तब ना रखने के लिए, गरीब आदमी है। तो 15 लाख आता तब आप खाता खोलते हैं? 15 लाख आता या अभी 8,333 पर भी आने वाला था। खटाखट वाला सरकार नहीं, अब तो खटाखट वाला कहाँ जाएगा? सरकार नहीं बनी तो कहाँ से मिलेगा? अरे जाओ, सरकार ही नहीं बनी तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा, सरकार बनती तब ना उनको हम बोलते कि हाँ हमको खटाखटा फटाफट चाहिए। सरकार ही नहीं बनी तो कहाँ से मिलेगा? तो मोदी जी, अब इस बार तीसरी बार आए तो क्या उम्मीद है आपको? कुछ सुधार होगा, बदलाव होगा? हिंदुस्तान में लड़ाई है। उम्मीद है कि मोदी जी अपनी कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जबकि 400 पार हो जाएंगे। अरे भाई, 400 पार तो इस बार का दावा था ना? इस बार का गलत फहमी था, अगली बार 400 पार हो गए। अगला प्लान है 400 पार। प्लान है 400 पार। अच्छा, अपना खुद अपना 250 पार नहीं कर पाए तो बहुत अहम सवाल है। जिस अहम सवाल को लेकर मैं निकला हूँ, ये हमारा सुरक्षित सीट है हमारा, और चेनारी में ये एरिया पड़ जाता है हमारा, इसके बारे में क्या कहिएगा जो सुरक्षित सीट है? हम उतना दूर का एरिया क्या देखें? अपने अकबरपुर नगर पंचायत का एरिया देखेंगे हम उतना दूर का? चेनारी तो सब जानते भी नहीं, चेनारी कहाँ है? हम अकबरपुर से कभी अभी कदम रखते नहीं। अरे मान्यवर, आपका अनुमंडल डेहरी है ना? डेहरी है, महीना में 4 बार दौड़ते हैं, पूछे कि डेहरी है? काहे के लिए 4 बार दौड़ते हैं? आए काहे के लिए 4 बार दौड़ते हैं? 2014 में घटना हुआ है। हाँ, सब आता है, हम मुद्यालय हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी मुद्यालय है? एकदम। और सबसे भयानक, ये 2014 के मुद्यालय है? हाँ, ये भी कश्मीर से? एकदम है। और नमाजी है भाई, हाजी है? हाँ। और ये भी मुद्यालय है? क्या कीजिएगा? और ये बैठे, ये भी मुद्दाले हैं? मुद्दाले नहीं है, मेन बॉस है। ये मेन बॉस है? हाँ, मेन बॉस है। तो फिर आप तो 2014 में क्या हुआ ना भाई, हमारे रोहतास में, कि आप लोग को मुद्दाले बना दिया गया नेतागिरी के चक्कर में? इधर भी उधर भी रख के अपने जीत गया, हम लोग को ठीक कर दिया लो। अच्छा, हाँ हाँ, आप लोग राजनीति के शिकार हुए हैं? राजनीति के शिकार हुए हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको सरकार से उम्मीद है कि आपको फैसला जो हमारे हाथ में होगा तो बेहतर होगा? सरकार से उम्मीद लगे। क्या कैसे आप लोग केस लड़ रहे हैं? बोले कि महीना में 4 बार मंडल जाते हैं। 14 में से केस लड़ा, आज पूरे 10 साल हो रहा है मोदी जी के, जब तक से आए हुए हुआ है। हाँ, तब सब तकड़ो तबाह है, तकड़ो तबाह है। 10 साल हो ये लाइफ, 15 साल के लिए बने हैं, जब से मोदी जी आए हम लोग तकड़ो तबाह है, तकड़ो तबाह है, तकड़ो तबाह। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मैंने ये सवाल किया था कि अभी सुरक्षित सीट है, यहाँ से कोई जैसे कि पंडित जी खड़े नहीं हो सकते, नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं, राजपूत कोई नहीं कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कोई कर सकता है, और भी अंसारी कोई यहाँ से कैंडिडेट नहीं हो सकता है, उम्मीदवार नहीं बन सकता है, जब भी बनेगा तो हरिजन बनेगा, इसके बारे में क्या कहिएगा? जनरल होगा तो इलेक्शन का मजा कुछ और होगा।
और क्या जैसे चल रहा है वैसे सब ठीक है। अभी ठीक है? हाँ हाँ चल रहा है, ठीक है। आप आपका नाम क्या है? रामधारी मिश्रा नाम पड़ता है। रामधारी मिश्रा जी, हमारे बाप दादा ये आपका ये कांग्रेस थे, उस समय जितना खुश थे उतना आप ये क्या बोलता है भाजपा में बात नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खुश नहीं है। हमारा बाप दादा गुजर गए। अच्छा, वोट आप किसको दिए थे ये बताइए? वोट आपने किसको किया है? अब हम नहीं, किसको? कांग्रेस को दिया, मोदी जी को दिया, किसको दिया? कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को दिया क्यों? इस बार मोदी जी को आपने क्यों नहीं दिया? मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। अरे क्या अच्छा करते हैं, हम नहीं करते हैं। अच्छा, आप किसान है ना? देश विदेश में लड़ते हैं। हाँ, देश में यहाँ नहीं लड़ते हैं। हाँ, किसान के लिए वही 2000 रुपया देते हैं, वही जो कहिए सो कहिए। 2000 रुपया मिलता है ना आपको? और हाँ मिलता है, गरीबों को राशन मिलता है ना। और जगह है, किसे झारखंड में जाइए तो 1000 रुपया मिलता है पेंशन, और यहाँ जो है 400 रुपया 300 रुपया मिलता है। तब एगो बिहार ऐसा है, यहाँ बालू बंद और सब बंद, दुनिया बंद। अरे भाई, बालू बंद हुआ तो इसकी भी कोई वजह है, बहुत मुश्किल है, तेजी से लेयर भाग रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? बहुत सी कहने का मतलब, हम लोग के बाप दादा पहाड़ में बसे थे, समुद्र किनारे बसे थे, इसीलिए कैसे चल भाई कम से कम हमारा होगा तो बालू से अपना कुछ घर बना लेंगे, पहाड़ से पत्थर ला के कर लेंगे, लेकिन 1 किलो बालू लाना मुश्किल हम लोग का है। और लोकल का तो कम से कम करना चाहिए उनको, क्योंकि चल भाई लोकल के लिए अपना कुछ तो अपना प्रेफरेंस दें, लेकिन लोकल के लिए भी नहीं कुछ कर रहे हैं, कैसे होगा? इसी के चलते सब अपना कांग्रेस है तो कोई क्या है, कैसे